जिंदगी टमाटर सी हो गई है। पहले ग्रीन थे और फिर ऑरेंज हुए और आज रेड जोन में आ गए हैं। अब तो चटनी बननी बची है। राम राम सा खमांगणी जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 154 में आपरो स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, फॉरेन वाली मूवी का नाम सावन, साटू, साथरी। बॉलीवुड मूवी का नाम ग्रेट ग्रैंड मस्ती। और साउथ इंडियन मूवी का नाम जीने नहीं दूंगा, अगले जन्म भी जीने नहीं दूंगा। जिद मत किया कर, जीने तो दूंगा ही नहीं, अब तो पैदा ही नहीं होने दूंगा। रमेश यारे दिल री धड़कन उन टाइम रुक गई जब लाइट गिर रही और कान वाली बोली, व्हाट द हेल इज दिस, यू डोंट हैव इन्वर्टर। मार साहब कहवे संगठन में शक्ति है, उदाहरण दो। रमेश ये बोलिया, जेब में एक बीड़ी हो तो टूट जाती है और जे पूरा बंडल वैन मार साहब तो कदे ही नहीं टूटे। देखो सा, चाइना और मैंने टाबरिया नाम रखून वास्ते स्टील रो बर्तन ऊपर नीचे फेंके, उन मैंने जी की आवाज आवे नहीं, टिंग टांग टूंग टिंग टूंग, एज नाम राख दिया करे। देखो सा, सरकार निवेदन है जिन तरीके हूँ ए आदमी वास्ते दारू की दुकान खुलवाई हो के, उन्हीं तरह हैंग रुके वास्ते भी पानी पूरी रात ठेला खुलवा दो। आज ही वेनी घनी चट्टी है, घना दिन हो गया आवाज लिया ने। परवीन यो रमेश ने फोन करियो शादी की सालगिरह री बधाई देउन वास्ते। तो रमेश ये बोलियो के परवीन यार थारी शादी की सालगिरह कदे। तो परवीन ये बोलियो, दो मिनट रुक, खाली बर्तन ही माज रही हूँ, लटर माते तारीख लिखी ओला देखन बतो। दुनिया में दो ही लोग आपकी भलाई चाहते हैं, एक तो माँ और दूसरो रास्ता में कहवे, भाई पाचो मुड़ जा, आगे चेकिंग चल रही है, हमारे हुजी लेन जाए घर। माँ कहवे, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो रमेश ये बोलियो, हो सकती है माँ। तो माँ कहवे, की कर। तो रमेश ये बोलियो, फोटोशॉप से। ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी बने होते हैं। इस रिश्ते में पति पत्नी का रिश्ता कोई लेना देना नहीं है इससे। काका घन है, रात्रि 12 बजे एक छोरी रो फोन आयो, हेलो कौन। तो बटी छोरी री आवाज आवे, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो काको खुश होन बोलियो, अरे अरे भाई कौन है तू। बड़ा बटी ने छोरी री आवाज आई, तुमसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। काका रे खुशी रे मारे आके मैं पानी आई गयो। तो काको कहे, सचमुच तुम मुझसे शादी करोगी। तो बटी ने छोरी री आवाज आई, इस गाने को अपनी कॉलरट्यून बनाने के लिए 8 दबाए। बाप कहे, बेटा जिंदगी में कभी चर्स नहीं पीना, वरना वो जो 4 आदमी जा रहे हैं ना वो 8 नजर आएंगे। तो बेटा बोले, बापू वो तो सिर्फ 2 आदमी है। डॉक्टर कहे, आपकी बीवी अब सिर्फ 2 दिन की मेहमान है, आई एम सॉरी। तो परवीन ये बोलियो, इसमें सॉरी की क्या बात है डॉक्टर साहब, निकाल लेंगे ये 2 दिन जैसे तैसे। छोरी कहवे, मैं तुम्हारे लिए ना आग पे भी जल सक, अंगारों से नहा सक, समझे बाबू। छोरो बोले, लव यू बेबी। तो छोरो बोले, बेबी तुम मुझे अभी मिलने आ सकती हो। तो छोरी कहवे, पागल है क्या, धूप देखी है कितनी है बार, मैं काली पड़ जाऊंगी ना। जब भी खुद की खूबसूरती पर घमंड होने लगे तो अपने आधार कार्ड वाला फोटो देख लेना। बेटो कहवे, आज भी लौकी री सब्जी, मैं तो जा रही हूँ होटल खाना खाऊना है। बाप कहवे, मेरे जूते कहाँ है, ला तो। तो बेटा कहे, पापा मैं तो मजाक कर रहा था, लौकी की सब्जी बहुत लाभदायक होती है। तो बाप कहे, अरे ज्ञान मत जाड़, चुपचाप जूता लेना हमारा, मैं भी तेरा हाथ आलू, मने भी लौकी की सब्जी कौन भावे। देखो सा, टीवी में ब्रेक आवे नहीं, उनमें एड आवे, पॉलिसी बाजार ए इतना हरा मिलन हैंग डरा रहा है, उन्हें ठाने पड़े आगे इतना डरियो ना। और वे कहे, जिंदगी रही इन कई रही, राहुल का प्रधानमंत्री बनने का एक ही तरीका है, उसका नाम प्रधानमंत्री रख दिया जाए। सब कुछ मित्रों, 4 धाम बंद है, सिर्फ मुक्ति धाम खुला है, इसलिए घर पर रहे और सुरक्षित रहे। देखो सा, मैं नहीं एक फेसबुक में पोस्ट देखी, खतरनाक जोरदार है। आजकल धनसुख भाई बढ़ते जा रहे हैं, मनसुख भाई घटते जा रहे हैं, शांति लाल जी का तो पता ही नहीं, और मांगी लाल जी हर तरफ नजर आ रहे हैं, देवी लाल जी मिलते नहीं, ज्ञानचंद जी हर नुक्कड़ पे खड़े नजर आते हैं, रायचंद जी रोड़ों पर घूमते हैं। यह बात जिन्हें समझ में आई उन्हें वंदन, जिन्हें समझ ना आई उन्हें अभिनंदन। देखो सा, आजकल फोन है नहीं बिन माई ने, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है, कि भी पूछो तो बिना रहेंगे जवाब मिले। तो देखो सा, मार रमेशियो गैस रे माते कुकर चढ़ायो और सेल्फी वाली पोस्ट गाली अनली क्यों, बीबी भाई के गई है और मुझे चाय बनानी है, कुकर में कितनी सीटी बजाऊं। तो कमेंट में घने यार आया, देखो
एक जनो कहवे कुकर में तो पहले सीटी है रे थुबेल कितनी लगाई, तो दूजो कहवे पहले 2 घंटे चाय पत्ती को भिगो लो, 2-3 सीटी में काम चल जाएगा। जितने बड़े एक होशियार आयो कहवे खिड़की में तो जान सीटी बजा ले, पाक ती पड़ोसन चाय ले ना जाई। और एक तो अल्टीमेट आंसर आयो, अरे बंदू बीवी मायके गई है तो चाय क्यों पी रहा है, बोतल पी और मौज कर, साथ में हमें भी बुला ले, सीटी हम भी बजा लेंगे। प्रश्न है कोरोना से कैसे बचे, उत्तर बताऊं, सामने वाले को कोरोना है यही मान कर चले, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दो, कचरे की गाड़ी तो हर मोहल्ले आती है और उसपे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, बस एक गाना बना दो, दारू वाला या घर से बेवड़ा निकालो, दारू वाला या घर से बेवड़ा निकालो। इस लॉकडाउन के चक्कर में कोई काम नहीं है, एक छोरी बोली भैया मास्क है क्या, दुकानदार है हाँ हाँ है बिल्कुल है, कौन सा तू पार्टी वेयर या डेली यूज, दूरदर्शन का दूर दूर तक का असर। लुगई खाना खाया पछे बोली हे आर्य पुत्र सत्य बताइएगा आज भोजन कैसा बना है, और धनी पाचा उत्तर देवे हे देवी सत्य तुम सुन नहीं सकती और मिथ्या मैं बोल नहीं सकती, अभी ग्रह त्याग निषेध है कहीं दिन शेष है, मैं इतने दिन युद्ध नहीं कर सकता और ना ही निहार रह सकता हूँ, क्षमा देवी क्षमा। एक धनी आपरे लुगई ने बड़े ही रोमांटिक लाइना बोली ला तेरे हाथों की उंगलियां दबा दू, थक गई होगी ना मुझे नचते नचते, बैंकों में 500 रुपए के लिए लाइन लगवाने से कोरोना नहीं होगा, राशन की दुकानों पे लाइने लगवाने से कोरोना नहीं होता, और तो और शराब की दुकानों पे भी लाइन लगवाने से कोरोना नहीं होता, लेकिन जहाँ फ्री का सामान बट रहा है वहाँ लाइन लगवाने से कोरोना नहीं हो रहा, बस एक आम दुकानदार ही ऐसा है जिसके पास मुश्किल से दिन भर में 10-20 ग्राहक आते होंगे, क्या वही सारा कोरोना फैलाएगा, सोचने वाली बात है। नियम कायदे सबके लिए बराबर होने चाहिए, व्यापारियों के लिए सुझाव, स्टाफ का पैसा ना रोके, उधारों से पैसा ना मांगे, लेनदारों का पैसा चुकाएं, टैक्स का समय पर भुगतान करें, टीवी टेलीफोन के बिल टाइम पर भरें, राशन सब्जी दूध दवाई नगद खरीदें, दुकानें मत खोलना नहीं तो जुर्माना भी देना होगा, बंद दुकान के बिजली का भी बिल जमा करवाना होगा, मकान मालिक को दुकान का किराया भी देना होगा, बैंकों में जो लिमिट है उसका ब्याज भी देना होगा, इसके अलावा भी सामाजिक संस्थाओं में थोड़ा बहुत दान तो दिया ही होगा, तुम ही हमारे देश के गौरव हो, भले ही घर के बर्तन बिक जाए समाज सेवा करते रहो, बाकी माल तो क्या है फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो बेचे गई, बस सोचने वाली बात है, जरा सोचना, ये आम व्यापारी क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, अर्ज किया है बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढे, ये जरूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलकर खुश हो, मगर हमारा यह प्रयास रहे कि हमसे मिलकर कोई दुखी ना हो। राम राम सा खमा गणी जय श्री कृष्णा, हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ, और ट्विंकल वेस्ट नाउ लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।